महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने उन्हें स्वरोजगार से जोड़ने प्रदेश सरकार द्वारा योजनाबद्ध रूप से कार्य किया जा रहा है, जिसकी वजह से पूरे प्रदेश में महिलाएं स्वरोजगार से जुड़ चुकी हैं। भिलाई निगम के शहरी गौठान में योजना को धरातल पर देखा जा सकता है। यहां अनेकों स्व सहायता समूह की महिलाएं रोजगार मूलक कार्यों से जुड़ी हुई है और लाभ अर्जित कर रही है। गौठान में मवेशियों की देखरेख की जिम्मेदारी भी महिलाओं पर है। गौठान में वर्तमान में अगरबत्ती, साबुन, गुलाल निर्माण के साथ महिलाओं द्वारा खाद का उत्पादन भी किया जा रहा है। मछली पालन के लिए तालाब तैयार हो चुका है। आने वाले समय में गौठान में मुर्गी पालन शुरू किए जाने की तैयारी चल रही है। गौठान की गतिविधियों, उसकी उपयोगिता, महिलाओं के स्वरोजगार को लेकर ग्रैंड एशियन न्यूज ने नगर निगम भिलाई के जनसंपर्क अधिकारी पीसी सारवा से चर्चा की, जिन्होंने इसके अंतर्गत संचालन और उपयोगिता को लेकर जानकारियां दी। छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी योजना नरवा गरवा घुरवा बाड़ी के तहत पूरे प्रदेश भर में गौठान का संचालन किया जा रहा है। इस वक्त हम मौजूद है नगर निगम भिलाई के शहरी गौठान जो कोसा नगर में स्थित है। इस गौठान में महिला स्व सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने, उन्हें अपने पैरों में खड़े करने तमाम तरह के क्रियाकलाप जारी है। महिलाएं रोजगार से भी जुड़ चुकी हैं। हमारे साथ मौजूद हैं भिलाई नगर निगम के जनसंपर्क अधिकारी पीसी सारवा जी, जो हमें गौठान की पूरी गतिविधियों, यहाँ पे कार्यरत महिलाओं प्लस जो यहाँ पे कई सारी गौ माताएं वगैरह भी हैं, उनकी देख रेख को लेकर किस तरह से कार्य किया जाता है, आइए हम उन्हीं से जानते हैं। सारवा जी, सर्वप्रथम ये बताइए कि गौठान का एरिया तो काफ़ी बड़ा है, तो महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने यहाँ पे किन किन गतिविधियों का संचालन किया जाता है? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी की मानसन रूप और माननीय मुख्यमंत्री जी का यह ड्रीम प्रोजेक्ट है, शासन का ड्रीम प्रोजेक्ट है, नरवा गरवा घुरवा और बाड़ी जो कॉन्सेप्ट है, उसके तहत में जितनी हमारे यहाँ पे जो प्राइम लोकेशन पे जो भूखंड है वह गौठान के रूप में इसलिए बनाया गया है क्योंकि यहाँ से जो सेंट्रलाइज है और इसका संचालन संधारण जो है वो महिलाएं कर सके और इसकी मॉनिटरिंग जो है नगर निगम के अधिकारी प्रॉपर करते रहें। इस तर्ज पर शहर के बीचों बीच में यह गौठान जो है शहरी गौठान भिलाई का स्थापित किया गया है। महिलाएं जो है स्वरोजगार की दिशा में काम कर रही हैं और इसके तहत में अगरबत्ती का निर्माण कार्य कर रही हैं, उनके पास मशीन है इसके बनाने के लिए, फूलों से वो साबुन बना रही हैं, गुलाल बना रही हैं, मशरूम उत्पादन कर रही हैं, अभी मुर्गी पालन करने का कॉन्सेप्ट हमने तैयार किया हुआ है। मछली पालन के लिए जो छोटी डबरी थी उसको तालाब का स्वरूप दिया गया है। इस प्रकार से जो तमाम एक्टिविटीज़ जो स्वरोजगार से जोड़ने के लिए है वो ये अदर एक्टिविटीज़ में जोड़ा गया है। इसके अलावा जो है महिलाएं जो है वर्मी कंपोस्ट का बनाने का काम, इसके निर्माण का काम कर रही हैं जो प्रमुख काम है, और इस कंपोस्ट को विक्रय कर अपना आर्थिक आय लाभ अर्जित कर रही हैं और स्वावलंबी बनने की दिशा में अग्रसर है। क्योंकि ये शहरी गौठान का एरिया काफ़ी विस्तृत है, यहाँ पे कितनी महिला स्व सहायता समूह को मतलब काम दिया गया जो कि आत्मनिर्भर बन चुकी है? क्योंकि यहाँ अभी आते समय हमारे द्वारा देखा भी गया कि काफ़ी गतिविधियाँ यहाँ संचालित हो रही हैं। देखिए, 6 से 7 महिला स्व सहायता समूह, अलग अलग महिला स्व सहायता समूह है जो यहाँ पे काम कर रही है। एक SHG में जो है 10 महिलाओं का ग्रुप होता है और 10 महिलाएं अपने ग्रुप के साथ में काम करती हैं। जैसे अगरबत्ती निर्माण का काम हो गया तो उसके लिए अलग महिला स्व सहायता समूह काम कर रही है, मशरूम उत्पादन के अलग काम कर रही हैं, तालाब में जो मछली पालन का काम है उसके लिए अलग महिला स्व सहायता समूह काम कर रही हैं, बाड़ी का जो कॉन्सेप्ट है तो बाड़ी में जो सब्जी का काम है वो उसके लिए अलग महिला स्व सहायता समूह काम कर रही है। इस प्रकार से 6 से 7 महिला स्व सहायता समूह जो है इस गौठान में काम कर रही हैं और स्वरोजगार की दिशा में आगे बढ़ रही हैं। क्योंकि गौठान में बड़ी संख्या में मवेशी भी मौजूद हैं, आवारा मवेशियों की जो धरपकड़ की जाती है उन्हें यहीं ला के रखा जाता है, तो उनकी देख रेख और चिकित्सा को लेकर किस तरह की सुविधा है? देखिए, इनकी चिकित्सा की बेहतर व्यवस्था जो है निगम प्रशासन ने पशु चिकित्सालय जो है उनके चिकित्सकों के माध्यम से की है। लगातार वो जो है उनका एक टाइम शेड्यूल बना हुआ है, वो आते हैं और अपनी टीम के साथ में पूरे संसाधनों के साथ आते हैं। टीकाकरण की बात हो चाहे किसी प्रकार की पशुओं के रोग की बात हो तो वो उनका ट्रीटमेंट करते हैं, आकर के चेकअप करते हैं और यहीं स्पॉट में आकर के उनके उपचार के लिए जितना भी बेहतर जो काम हो सकता है उसके लिए वो करते हैं। हमारे यहाँ जो जितने भी पशु हैं वो अभी जो मवेशी हैं सभी जो है स्वस्थ है, हेल्थी हैं। कई लोग जो गाय हैं वो अपने बच्चों को भी जन्म देते हैं और यहीं गौठान में देते हैं। बड़ा मनमोहक भी लगता है और बड़ा प्यार भी उन मवेशियों से लोगों को हो जाता है और उसकी देख रेख लगातार जो है वो हमारे यहाँ जो महिला स्व सहायता समूह है वो करती हैं।
मवेशियों के आहार के लिए किस तरह की व्यवस्था, क्योंकि ये भी देखा जाता है कि कई लोगों द्वारा यहाँ पे अज्ञात रूप से मवेशियों के लिए चारे आदि की व्यवस्था की जाती है, तो नगर निगम द्वारा किस तरह की व्यवस्था उपलब्ध कराई है पशु चारे को लेकर? देखिए, चारे को लेकर यहाँ गौठान में कोई कमी नहीं है। एक्चुअली हरा चारा का जो कॉन्सेप्ट होता है पशुओं के लिए, जो आहार होता है उसका जो कॉन्सेप्ट है, उसके लिए नेपियर ग्रास एक बड़े भूखंड पे लगाया गया है। नेपियर ग्रास पशुओं को बहुत पसंद भी है, उससे गाय होती है तो उसको बहुत ज़्यादा दूध भी उनसे मिलता है, और इन सब कॉन्सेप्ट के साथ में एक बड़े भूखंड पे नेपियर ग्रास जो काफ़ी लंबे समय तक जीवित रहता है, और उसके स्पाइस को लगा करके फिर से हम उसको रिप्रोडक्शन कर पाते हैं। तो हमने अभी यहाँ पर नेपियर ग्रास लगाया हुआ है, और इसके अलावा जो है दानदाता जो है बड़ी मात्रा में यहाँ पे जो है गौ सेवक जो है वो यहाँ पे दान करते हैं, चाहे हरा चारा डेली यहाँ पे आता है, और इसके अलावा जो सूखा चारा है वो बड़ी मात्रा में दानदाता दान कर रहे हैं, और रेगुलरिटी में दान करते हैं। जैसे कुछ कमी होती है तो दानदाता को पता चलता है कि हाँ यहाँ पे कुछ कमी है, ऐसा महसूस होता है, तो अपने से ही वो दानदाता जो है वो सवार हैं, उनका हम धन्यवाद ज्ञापित भी करते हैं निगम की ओर से कि वो जो पशु हैं, जो हमारे गौ सेवक हैं, वो हमारे लिए पशुओं के लिए दान कर रहे हैं। क्योंकि महिलाओं में आपके द्वारा बताया गया कि गौठान में 5-6 स्वयं सहायता समूहों द्वारा इसका संचालन किया जाता है, यदि कोई और महिला स्वयं सहायता समूह मतलब इसमें अपना कार्य करना चाहे, स्वावलंबी बनना चाहे, तो उसके लिए वो कुछ मापदंड निर्धारित है क्या गौठान में काम के लिए? देखिए, निश्चित रूप से महिलाओं के जो समूह है स्व सहायता समूह की महिलाएं, ये एक्चुअल जो है राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत ये महिला समूह काम करती हैं, और सभी महिलाओं को अलग अलग उनके काम के हिसाब से, उनके वर्गों के हिसाब से उनको बांटा जाता है, उनकी इंटरेस्ट किस में है, उनको रुचि किस में है, ये सब आदि चीज़ों को देखा जाता है। ये सब मापदंड के आधार पर जो है चयनित किया जाता है। जैसे अभी मुर्गी पालन का कॉन्सेप्ट है, बहुत ज़्यादा जिसको समूह को इसका ज्ञान हो, जिसको अनुभव हो या उनको इसके नॉलेज हो, और कई बार ऐसा भी होता है जिनको नॉलेज नहीं होने के बाद भी उनको, चूँकि सभी के लिए नया काम हो जाता है तो उनको ट्रेनिंग भी दिया जाता है, प्रशिक्षण के माध्यम से उनको प्रशिक्षित करके फिर आगे इम्प्लीमेंटेशन का काम किया जाता है। क्योंकि भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव, महापौर नीरज पाल जी, निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे जी द्वारा भी लगातार गौठान का निरीक्षण किया जाता रहा, तो किस तरह की सुविधाएं अभी आपको मतलब समझ में आता है कि किस तरह की और सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध कराए जाने की ज़रूरत है जिससे और महिलाएं इस गौठान में से जुड़ करके इसका लाभ प्राप्त कर सकें? देखिए, माननीय महापौर जी और आयुक्त महोदय लगातार यहाँ पे गौठान में आकर निरीक्षण करते हैं, औचक निरीक्षण करते हैं। माननीय विधायक जी भी यहाँ पे आते हैं, और हर जन्मदिवस में तो उन्होंने तुला दान का कॉन्सेप्ट दिया है कि तुला दान करें और उसके हिसाब से जितना वजन के बराबर आप चारा देवें। इसके अलावा जो है माननीय कलेक्टर महोदय ने अपने डीएमएफ फंड जो है उससे बहुत सारी चीज़ें, जैसे दलाब विकास कार्य है, ये इनके लिए उन्होंने डीएमएफ फंड से राशि दी है। तो ये माननीय महापौर जी और आयुक्त महोदय जो काम जिसके लिए तर्ज पे ताकि महिलाएं आगे बढ़ सकें, और जो उनके डिमांड है कि यहाँ पे गौठान में और ज़्यादा क्या क्रिएटिविटी कर सकते हैं, तो उसके आधार पर जो है समय समय पर राशि जो है माननीय कलेक्टर महोदय द्वारा दी जाती है, शासन द्वारा प्रदान की जाती है। तो यहाँ पे कोई विकास की कोई ऐसा कमी नहीं है, और जो मांग होता है, जो जेन्युइन मांग है, जो ज़रूरत की चीज़ें यहाँ पे हैं, वो चीज़ों को लेकर के शासन प्रशासन सजग है और वो हमको उपलब्ध कराते हैं। क्योंकि पूर्व में गौठान में भी बड़ी मात्रा में सब्जियों का, विभिन्न प्रकार की सब्जियों का उत्पादन किया जाता था, लेकिन अभी ऐसी कुछ स्थिति देखने को नहीं मिली। देखिए, क्या है, फसल का एक क्रॉप रोटेशन होता है। क्रॉप रोटेशन की पद्धति के तहत में जो है एक क्रॉप जब हार्वेस्टिंग हो जाती है, यानी तुड़ाई हो जाती है उसकी और वो सेलिंग हो जाती है, तो उसके बाद में फिर दूसरा क्रॉप लगाया जाता है, तो उस पद्धति पे लगातार ये रोटेशन, क्रॉप रोटेशन जिसको बोलते हैं, वो चलता है। अभी ये जो क्रॉप रोटेशन की पद्धति है, इसमें एक फसल हो चुकी है, अब दूसरी फसल की हम तैयारी कर रहे हैं, और इसके लिए जो थरहा जिसको बोलते हैं छत्तीसगढ़िया भाषा में, जो ट्रांसप्लांट जिसको बोल सकते हैं, वो किया जा चुका है, और सीड भी जो बीज है वो बोया जा चुका है, और ये फसल जो है आपको 1-2 महीने में जो है वो फसल दिखने लग जाएगा। और कुछ भाजी हैं जो छत्तीसगढ़िया में जो काफ़ी भाजी का उपयोग जो करते हैं, उन भाजी का उपयोग भी यहाँ पे किया जाएगा, और वो उगाने का काम चल रहा है। मक्का वक्का जैसे चीज़ें हैं वो भी उगा चुके हैं, फूल उगा चुके हैं, और ये व्यवसाय जो है क्रॉप रोटेशन की पद्धति में चलता है, इसलिए अभी वो सीड सोइंग हो चुकी है इसकी। सरवा जी, एक अंतिम सवाल कि गौठान के कार्यप्रणाली का विस्तार करने और समूह की और महिलाओं को जोड़ने, किस तरह की अभी नगर निगम की योजना या शासन को किसी तरह की कोई योजना प्रेषित की गई है?
देखिए जैसे आवश्यकता अनुसार की जननी होती है और हमारे भूखंड में अभी हमारे सारे एक्टिविटीज जो हैं और सारे सुविधाएं जो हैं वो यहाँ पे दिए हुए हैं। हमने पहले जब गौठान का कांसेप्ट था, शहरी गौठान जब नहीं बना था, तो ये जो स्पॉट आप देख रहे हैं वो स्पॉट कचरे से पटा हुआ था, ये डंपिंग स्पॉट था। आज ये स्पॉट जो है हरियाली से भरा हुआ है, यहाँ पे पूरे गतिविधियाँ संचालित हो रही हैं, कहीं कोई कचरे जैसा नाम नहीं रहा है। इसके अलावा जो है अभी हमने प्लांटेशन अच्छे से किया हुआ है, जो मटकी पद्धति से किया, देसी मटकी पद्धति है। इसके अलावा जो है गाय लोगों को, पशु लोगों को छाया देने के लिए शेड का निर्माण हुआ है। इसके अलावा जो बोर है पानी देने के लिए, उनके पेयजल उपलब्ध कराने के लिए वो हुआ है। फाइटोराइट एक हमारे यहाँ सिस्टम है, जो फाइटोराइट जो होता है जो गंदे पानी को शुद्ध करके प्राकृतिक पद्धति से पानी देने का काम करता है, वो सिस्टम हमारे यहाँ गौठान में है। इसके अलावा जो पशुओं को अभी गर्मी का, भीषण गर्मी का दिन है, उनके लिए पंखा की व्यवस्था की गई है, और तमाम ऐसे चीज़ें हैं जो पशुओं को लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए ज़रूरत है, वो सारी सुविधाएं जो हैं वो यहाँ पे उपलब्ध हैं। ये थे हमारे साथ नगर निगम के जनसंपर्क अधिकारी पीसी सारवा जी, जिन्होंने शहरी गौठान के, निगम के शहरी गौठान में संचालित तमाम तरह की गतिविधियों की हमें जानकारी दी। साथ ही ये बताया कि पशुओं को की देख रेख किस तरह से की जाती है, शहर में दानदाताओं की भी कमी नहीं है जो पशु चारे को लगातार उपलब्ध कराते रहते। इसके अलावा यहाँ पे 5-6 स्व सहायता समूह की महिलाएँ भी जुड़ी हैं, जो गौठान के संचालन शुरू होने के बाद से काफ़ी लाभान्वित हो रही है। लगातार नए नए कार्य किए जा रहे हैं, निगम आयुक्त द्वारा लगातार गौठान की मॉनिटरिंग की जाती है, जिसका लाभ भी बड़ी संख्या में महिलाओं को मिल रहा है। आने वाले समय में भी गौठान में अन्य गतिविधियों के संचालन के लिए नगर निगम द्वारा रूपरेखा तैयार की जा रही है, ताकि अन्य महिलाओं को भी यहाँ पे रोजगार मिल सके, स्वरोजगार से वे जुड़ सके और लाभान्वित हो सके। नगर निगम में के शहरी गौठान में तमाम तरह के उत्पादों को लेकर के अभी हमें नगर निगम के जनसंपर्क अधिकारी पीसी सारवर में सभी जानकारियाँ दी। हमारे साथ अभी मौजूद हैं सामुदायिक संगठिका सुलोचना धनकर जी, जिनकी देख रेख में पूरी गतिविधियों का संचालन होता है। मैडम बताइए किस तरह की अभी गतिविधियाँ संचालित हो रही, महिलाएँ किस तरह से लाभान्वित हो रही हैं? सर, होली के समय इन्होंने गुलाल बनाया, 100 किलो गुलाल बना था, वो फूलों से जो 5-6 मंदिरों से आ रहा है उसको भी बना के वो लोग बिक्रय के, उसमें भी उनको लाभांश मिला। फिर साबुन भी बना रहे हैं, साबुन का भी ट्रेनिंग लिए, फिर साबुन बनाना भी चालू किए हैं। साबुन कुछ नगर निगम के भी अधिकारी लेके गए हैं इनसे। अगरबत्ती भी बन रहे हैं सर, तो अगरबत्ती मतलब जहाँ से लेके आ रहे हैं माल वो कच्चा माल दे रहा है और बना हुआ माल पूरा वो ले जा रहा है सर, उससे भी उनको लाभ मिल रहा है। क्योंकि बड़ी संख्या में यहाँ पर महिलाएँ जुड़ी हैं, तो अभी आपको क्या लगता है कि और किस तरह के कार्य बढ़ाए जाने की ज़रूरत है जिससे अन्य महिलाएँ भी लाभान्वित हो सके गौठान से? सर, सब्जी लगाया जा रहा है, अभी चालू किए हैं, पहले ठंड में जो लगा था वो निकल गया, अब ग्रीष्म ऋतु का चालू हुआ है लगाना। फिर मछली पालन का भी है सर, वो तालाब भर जाता है तो फिर लोग मछली भी उसमें डालेंगे, उससे भी इनको लाभ प्राप्त होगा सर। अभी वर्तमान में कितनी महिलाएँ यहाँ पर जुड़ी हैं? सर, 10 समूह के हैं, 30 महिला कंटिन्यू है सर। ये थी हमारे साथ सुलोचना धनकर जी, जिनके द्वारा हमें तमाम तरह की जानकारियाँ दी गई, कितनी महिलाएँ जुड़ी हैं, कितनी लाभान्वित हो रही हैं। निगम प्रशासन को चाहिए कि महिलाओं को और स्वरोजगार से जोड़ने अन्य गतिविधियाँ भी इस गौठान के भू भाग वाले एरिया में संचालित किए जाने की ज़रूरत है, ताकि घरों में बैठी स्वरोजगार के लिए यहाँ वहाँ परेशान हो रही महिलाओं को स्थायी रूप से यह शहरी गौठान में स्वरोजगार से, महिलाएं स्वरोजगार से जुड़ सके और लाभान्वित हो सके। ग्रैंड एशिया न्यूज़ के लिए संजय दुबे।